फिर भी कर लिए हैं एंड अब जा रहा हूँ शॉप पर मैं, और मुझे देख रहा है जैद। मैं फिर पढ़ते हुए देख रहा था मुझको, चलते हैं शॉप पर एंड गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी। दोस्तों अब शॉप पर मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ शॉप पर और आके मैंने ब्लॉग बनाना कर दिया है स्टार्ट आप लोगों के लिए। अभी सुबह हो रही है, शाम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक या दो कस्टमर अभी आके बैठे हैं। एंड नाश्ता भी करना है, सफाई मैंने करनी है एंड एक्सरसाइज भी करनी है, और कितने कौन कौन से काम करने हैं मुझे उसके लिए मैं रेडी अपने आप को कर रहा हूँ। अभी सुबह का व्यू है कुछ कुछ ऐसा, मेरी ड्रेसिंग भी मैंने इसी उस पर दिखा दी है आपको एंड अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सुबह ही सुबह हो रही है। ये मैंने छिड़के भी मार दिए हैं गली के, अच्छा कर दिया है गली का लुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं। अभी चल रहे हैं सब? हाँ जी, बस नंबर पे चले। एंड दूसरा, मेरा और आपका साथ खुशियों से भरा हुआ गुजरे आज का, एंड प्यार मोहब्बत से भरा हुआ गुजरे। और जितने भी लोग अपने अपने घरों से निकले हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में महफूज रख रहे हैं, उनके बच्चों को, मेरे प्यारे मुन्ने को भी अपने हिफ्ज़ान में महफूज रख रहा हूँ, सबसे बड़ा मुझे भी रखना अपने हिफ्ज़ान में महफूज। आज की दुआ मेरी यही है अल्लाह पाक से कि आज का काम ब्यूटीफुल सा गुजर जाए, मेरा और आपका साथ रहेगा सुबह से शाम तक, रात तक भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यार टाइम हो चुका है मेरा एक्सरसाइज का, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं शुरू करने लगा हूँ एक्सरसाइज करना। तो इससे बनेगा आपको पीछे का बैक साइड। इससे बनेगा आपका दोस्तों मसल्स और चेस्ट भी आपके बनेंगे इसी से। इससे बनेगा आपका बाजू का साइज। नीचे की बनाना था। हाँ दोस्तों, इससे बनेगी आपके पीछे की बटरफ्लाई।
दोस्तों ये थी मेरी टिप्स आज के एक्सरसाइज के, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी एंड इस्तेमाल कीजिए टिप्स और देखिए कितना फ़र्क आ गया माशाल्लाह से। तो थाइज़े भी माशाल्लाह से बन गई है, चेस्ट भी बन गए और गर्मी बहुत है यार। तो ये थी एक्सरसाइज गुड यार। मैं करने लगा अभी रोज की तरह सफाइयाँ करना, तुम्हें कैसा लग रहा हूँ सफाइयाँ करके? लोग आज मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, कौन सा दिन है आज? चलो भाई ये तो जा रहे मैच खेलने के लिए, हमारा क्या फायदा है? बहुत फायदा है, मैच खेलने वाले ट्रस्ट करते होंगे कि भाई मैं मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। कल जो मैं LCD लेकर आया था, कौन है जो कल जो मैं LCD लाया हूँ वो ये है LG की, माशाल्लाह से मैंने आज लगा दी है। और आप देखें इसी 12 नंबर में कितनी सड़ी हुई LCD थी, कितनी बुरी LCD थी, और अभी देखें मैंने कितनी प्यारी LCD लगाई है, बिल्कुल न्यू है LG की। और पुरानी वाली LCD मैंने देखी, मैंने नई ली, उसमें थोड़े से पैसे डाले और मतलब थोड़े से का मतलब मैंने सिर्फ 200 रुपीज़ डाले, बाकी के वो 1500 की वो बिकी, 1800 रुपये की ये LCD आई है LG की, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका और बहुत अच्छी लग रही है। ये देखें चेक करें कोई है, ये देखें चेक करें कितना प्यारा है इसका रिज़ल्ट, प्यारा है LCD का माशाल्लाह से। ईशान भाई गेम बाद में खेलना, नाश्ता लेने चल रहे हो? बस यार जा रहा हूँ यार, मेरे तो पसीने निकल रहे हैं ईमान से, गर्मी इतनी हो रही है यार। यार वैसे ही खत कट गया वो तो स्नैक मेरा। चलो चलते हैं यार, नाश्ता लेकर आते हैं। तो भाई अब तो मैं दूध ही लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और फिर बस नाश्ता ही लेना है जाके, फिर नाश्ता लेते हैं। और कुछ भी काफ़ी हो रहा है, पानी की दुकान पर पानी भर रहे हैं लोग, खाओ पैसे यहाँ से उठा लीजिए। जगह जगह से लोग देख रहे हैं, ले दिए ना कल के भी ले लिए। चलो भाई के चाय निकल रही है अभी, नाश्ता भी आ चुका है मेरा, अभी मैं बस रेडी हो चुका हूँ नाश्ते के लिए। 3 कप निशान बाहर जो है कुछ लेने, बस मैं अभी नाश्ता करने लगा हूँ। तुम भी करो नाश्ता। चलो चलो, चलो मैं भी कर रहा हूँ नाश्ता, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यार मैं अभी पीने लगा हूँ शरबत, और
लाइट भी चली गई है यहाँ से, गर्मी भी बहुत है हद से ज़्यादा, क्या करें। और ठंडा ठंडा पी रहे हैं हम लोग रूह अफ़ज़ा, पता नहीं रूह अफ़ज़ा क्या जामी शेरी है। लाइट ही नहीं है यार, जनरेटर भी बंद पड़ा हुआ है आज़म भाई की, जनरेटर ख़राब है। मेरा दोस्त भी बेचारा बाहर बैठा हुआ, इसका भी काम ख़राब सारा, और 40 460 क्या कर सकते हैं भाई, लाइट नहीं है, जनरेटर बंद हो रहा है बार बार। मैं भी यहीं आ गया, गर्मी इतनी है हद से बेहद। तुम्हारा क्या कहना है जनरेटर के बारे में? 460 गाली नहीं है, गाली नहीं है, 460। तो आया हूँ मैं काफ़ी दिनों बाद कराची बेकरी पे, चलते हैं कराची बेकरी पे तो लेते हैं सामान। अस्सलामुअलैकुम, ब्लॉग बनाते हैं। मैं हरत आया था इधर कुछ बेकरी से चीज़ें लेने के लिए, लेते चीज़ें यहाँ से, फिर चलते हैं। अब मैं आया हूँ यहाँ पर सोडा देने के लिए अपना घर का। अस्सलाम वालेकुम, तो लेते हैं यहाँ से अपना कुछ ज़रूरत का सामान, और फिर गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा दोस्त, फिर चलते हैं लेते हैं। लेते हैं यहाँ से आटा और फिर चलते हैं हम लेके, वहाँ तो है नहीं लाल वाला आटा, इनके पास से ले लेते हैं आटा। ब्लॉग बन रहा मेरा अपना चैनल ज़ीशान खान ब्लॉग्स यार। चलो तो यार अब मैं यहाँ से आटा ले रहा हूँ, उनकी दुकान पे तो है नहीं आटा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है हद से ज़्यादा। सामान लेने के लिए निकला तो मैं पसीने में बिल्कुल नहा गया, अजीब सा मौसम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, गर्मी की शिद्दत देखिए, पसीने छूट रहे हैं। बड़ी देर के बाद ये निकला यहाँ से, कड़ी पत्ता लेते हैं एक, यहाँ से भी ले लिए ज़रूरत का सामान। और इतनी गर्मी हो रही है यार, आप जल्दी जल्दी बारिश बरसा दें, कुछ अच्छा कर दें, ऐसा मामला जो सही हो जाए। हाँ ये भी निकाल रहे हैं मेरी सब्ज़ी, चलते हैं। सारे लोग अपने कामों में, वो कैसे बिजी हैं, सब काम वाम कर रहे हैं सारे लोग, बाकी आपको सब। बहुत गर्मी है ज़ीशान भाई, बाहर गर्मी बहुत है, सबसे ज़्यादा है। शाम की गर्मी से आगे एकदम बैठ गए, सामान लेकर आया हूँ, बाहर इतनी गर्मी है हद से ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे। पंखे की हवा खा रहा हूँ, मैं बस सामान रख कर आता हूँ घर। बड़ी गर्मी है यार, अब लेकर आने मुन्ने का सैरी लेक, मैं अब आया हूँ सैरी लेक लेने के लिए यहाँ पर मुन्ने का। काफ़ी गर्मी हो रही है और इन लोगों ने ठंडा कर दिया पूरा यहाँ का व्यू, डाल डाल के पानी ठंडा यक हो गया। दो सैरी लेक देना फलों वाले, चलते हैं फिर लेके, बस ये देते हैं सैरी लेक और फिर चलते हैं शॉप पे। आ गया हूँ मैं अंदर, ये भी सो रहा है,
ये लो इसके सैरी ले, चलते हैं बस अब शॉप पर, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने काम कर लिए हैं जो करने थे और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ दोस्तों, हद से बेहद। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं, मेरे पैरों में इतना शदीद दर्द हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता, थक गया हूँ मैं। बस चलते हैं अभी, थोड़ा मुन्ने को देख लूँ दोबारा से, सो रहे हैं ये भी और मैं भी चलता हूँ फिर शॉप पर, और शॉप पे चल के मिलते हैं, फिर टाइम भी हो जाएगा जोहर की नमाज का, नमाज पढ़ के जाना है मैंने पढ़ने के लिए तो। एंड और गर्मी बहुत है, अल्लाह ताला गर्मी पता नहीं कब ख़त्म करेंगे, समझ से बाहर है, बारिश भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो बस फिर अभी चलते हैं। पहुँच गया हूँ शॉप, इतनी गर्मी यार, शान बहुत गर्मी है बाहर, तो इधर बैठता हूँ फिर जाऊँगा नमाज पढ़ने के लिए। बैठो तुम भी। अच्छा दोस्तों, बाहर कितनी धूप भी है, गर्मी भी है, और सारे काम तो मैंने अपने कर लिए, बस अब नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है दोस्तों, जोहर की चले जाऊंगा फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने। लंच तक का टाइम हो जाएगा, अभी थोड़ी सी सफाई वगैरह करता हूँ मैं शॉप की, और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी तो मैं देखो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है मेरा जोहर की नमाज़ का, चलता हूँ मैं फिर नमाज वगैरह पढ़ के आता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। तो मैं अभी आया हूँ जोहर की नमाज़ पढ़ के और बैठा हुआ हूँ, आने के बाद मैंने सफाई वगैरह की है शॉप की, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं लंच का, इंतज़ार कर रहा हूँ लंच का। उतनी देर में मैंने यहाँ के सफाई वगैरह भी की, लुक देखें कितनी छिड़के मारे, साफ कर दिया बिल्कुल छिड़के मार मार के। फेजी भी बाहर ही बैठ के खाना खा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, और मैंने भी जो है अभी खाना खाना है, मेरा खाना बन रहा है, तो शाम भी होने ही वाली है अब। और छिड़के देखे मैंने कैसे मारे, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। चलते हैं आप अंदर बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं लंच का। गर्मी इतनी है ना, गर्मी की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा किसी को भी। तो यार बस अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं लंच का, फिर मिलते हैं आपसे लंच पे। भाई मेरे लिए लेकर आए हैं मैंगो मिल्क, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद भाई आप हमारे इतना ख्याल करते हैं, आप हमारा माफा नहीं करते। लेकिन सर का आधा आधा चाहिए ना, मैंने आपने पिया समझो हमने पी लिया, मैंने पियो आधा पियो तो आधा कसम है पियो। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, थोड़ा ठंडा हो गया था निज़ाम। मेरा लंच निकल चुका है, पराठे कह रहा हूँ, शामी कबाब, आलू एंड पुलाव, बीफ रोटी ले लूँगा बाहर से, चलते हैं। अभी आया हूँ बिरयानी लेने के लिए इधर अपने फ्रेंड के लिए, और निकालना 1.5 पाव सीने की बोटी, सही चलते हैं लेकर। अंधेरा बहुत हो रहा है, आया हूँ इधर चपाती लेने के लिए, तो लेते हैं यहाँ से चपाती क्योंकि खाने का टाइम है। माशाल्लाह से सामने मेरी मस्जिद है, मदीना मस्जिद, कितनी खूबसूरत है।
ये मेरी मस्जिद है, मैं यहाँ आया करता हूँ नमाज पढ़ने रोज। व्लॉग बनाना ही भूल गया, मैंने तो रोटी भी खा ली, लेकिन अब फिर भी दिखाता हूँ आपको। आलू भी थे, रोटी भी थी, एंड अभी शामी कबाब और बीफ का पुलाव खा रहे हैं अभी। जैन भाई असर का टाइम हो रहा है, जैन भाई असर का टाइम हो रहा है, उठ जाओ। यार बड़ी गर्मी हो रही है कसम से। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ सर की नमाज पढ़ने के लिए। मैं सो गया था, मैं इतना थक गया था इतने दिनों से, मेरी बहुत थकान हो गई है, आराम का टाइम ही नहीं मिलता, फिर मैं बैठे बैठे सो गया था। चलते हैं यार फिर असर की नमाज पढ़ के आते हैं। दोस्तों आप लोगों को दिखा देता हूँ अपनी मस्जिद भी, कितनी बड़ी माशाल्लाह से ये मेरी मस्जिद है। वहाँ पे वज़ू करने की जगह है और वहाँ दिखाता हूँ मैं चल के जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ये भी जगह देखिए आप कितना कितनी माशाल्लाह से अच्छी मस्जिद है मेरी। कैसे लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं माशाल्लाह से। सबसे अच्छी जगह है, कितनी प्यारी लग रही मस्जिद, ये मेरी मस्जिद है माशाल्लाह से। कितनी अच्छी लग रही है ये जगह, लेकिन पहले कभी टेप रखे हुए होते थे यहाँ पर, पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था। चलो जाके देखते हैं ज़ीशान भाई क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, ज़ीशान भाई बेचारे सो रहे हैं, थक गए बेचारे, सारा दिन काम करते हैं घर के भी दुकान के भी, इसलिए थक गए हैं। चलो इनको मैं उठाता हूँ, नमाज का टाइम हो गया है मगरिब की, नमाज पढ़ने जाएंगे बेचारे। सुशांत भाई उठ जाए ना, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, आज थक गया मेरे ख्याल से, सो रहे हैं थक के। चलता हूँ जान भाई नमाज पढ़ने में, हाँ तो पढ़ के थक गया बहुत ज़्यादा यार। ओ वीडियो बना रहे हो, तेज़ हो गए हो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ के और अब रात भी हो चुकी है, एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं आज खूब आराम भी मैंने किया, काम भी बहुत किए दबा के, काम भी मैंने बहुत किए हैं। एंड शान भाई होते हैं तो मुझे बहुत सुकून सा होता है यार, उनका भी बहुत शुक्र गुजार हूँ। एंड करते हैं व्लॉग का एंड। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे और आपके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड इसी तरह से मेहनत से मैं व्लॉग बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए और अपलोड करते रहूँगा, और मेहनत इसी तरह से मेरी जारी रहेगी। एंड मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, अभी रात हो चुकी है, मेरी तरफ से गुड नाइट एंड बोल दूँ अल्लाह हाफिज़।